की इस वीडियो में बताएंगे भाई कि फ़ोटो एडिट कैसे करें और कहाँ से करें। तो देखिए भाई कि मेरा बिफोर है और मेरा आफ्टर है, तो ऐसा फ़ोटो एडिट आपको करना है भाई, तो आपको भाई इस पिक को शेयर करना है लाइटरूम में। तो चलिए भाई मैं इसको शेयर करता हूँ लाइटरूम में। तो मेरा पिक भाई, तो देखिए भाई कि मेरा पिक लाइटरूम में आ गया है। तो देखिए भाई कि मेरा पिक लाइटरूम में आ गया भाई। फिर आपको भाई यहाँ से बैक करना है और आपको भाई एक पीसेट लेना भाई। आपको इस पीसेट को भाई यहाँ से थ्री डॉट में जाना है और यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग करना भाई। कॉपी सेटिंग करने में रन करना और यहाँ से बैक जाना भाई। फिर आपको जो पिक को एडिट करना है वो पिक को लेना भाई। फिर यहाँ से भाई आपको थ्री डॉट में जाना है और यहाँ पेस्ट सेटिंग पर कर देना भाई। तो देखिए भाई कि मेरा फेस कितना ख़राब हो गया। तो फिर यहाँ से आपको भाई सेव कर लेना है। तो चलते भाई मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए भाई कि मेरा फ़ोटो सेव हो गया गैलरी में। फिर आपको गैलरी ओपन कर लेना भाई। फिर आपको गैलरी ओपन कर लेना है। फिर आपको इपिक को शेयर करना है स्नैपसीड में। स्नैपसीड में जाने के बाद भाई आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद टू इनवी में जाना भाई। वेट को हल्का बढ़ाना है और सैचुरेशन को भी हल्का बढ़ाना भाई। एम्बिएंस को भी थोड़ा सा बढ़ाना है और हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ाना भाई। और शैडो को थोड़ा बैक रखना है और वेब्सन को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर से यहाँ जाना, डन कर लेना भाई। फिर से आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद भाई आपको व्यू एडिट्स में जाना है। व्यू एडिट्स में जाने के बाद भाई ट्यून इमेज में जाना है और यहाँ से फिर भाई आपको ऐसा करना और यहाँ से फिर बैक करके आपको फेस में चला देना है। तो देखिए भाई कि मैं हो गया। फिर आपको वहाँ से डन कर देना भाई। फिर से आपको बैक जाना है। फिर आपको भाई टूल्स में जाना है और आपको भाई ब्रश में जाना है। ब्रश में जाने के बाद भाई एक्सप्रेस में जाना है और यहाँ पे इसको 0-3 रखना है और इस तरह करके फेस पर चला देना भाई। तो यहाँ से फिर आपको डन कर लेना भाई। तो देखिए भाई कि मेरा ही बिफोर ये मेरा आफ्टर है। आपको फिर से भाई टूल्स में जाना है। टूल्स में भाई आपको जाने के बाद भाई आपको एच डी स्पेस में जाना है। एच डी स्पेस में जाने के बाद भाई आपको फिल्टर को थोड़ा सा बढ़ाना है और वेट्स को भी थोड़ा सा बैक करना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर आपको वहाँ से डन कर देना भाई। फिर से आपको भाई उसी में जाना है। फिर से व्यू एडिट्स में जाना भाई। फिर एच डी स्पेस में जाना है। फिर आपको वहाँ से बाहर लेना है, उसको कम कर लेना और फिर फेस पे यहाँ से आप डन कर लेते हैं भाई। तो देखिए भाई कि मेरा फ़ोटो एडिट इसमें हो गया। फिर आपको भाई यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इसको। फिर भाई आपको यहाँ से शेयर करना है इसको ऑटो स्क्रिप्ट बुक में। तो मेरा स्क्रिप्ट बुक ओपन हो गया भाई। आपको फिर से भाई इसमें जाना है। फिर लाइब्रेरी में जाने के बाद भाई आपको स्मूथिंग ब्रश में जाना भाई। आपको सेटिंग कर लेना है 11 और यहाँ कर लेना टाइम। फिर यहाँ से आपको भाई फेस पे चला देना है। तो चलते भाई मैं कर लेता हूँ। तो देखिए भाई कि मेरा फेस तो स्मूथ हो गया मगर मेरा लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है भाई फोटो पे। तो आपको भाई फिर से वहाँ जाना है और फिर से जो फॉलो को बढ़ाया था 11 उसको 0 कर देना, इसको भी 0 कर देना भाई और फिर से भाई फेस पर चला देना है। फिर से यहाँ आपको भाई देखिए कि मेरा पिक हो गया। अगर भाई आपको फेस को गोरा करना है तो आपको फिर इसमें जाना है। फिर आपको प्लस वाला जाना है भाई। प्लस में जाने के बाद भाई आपको नॉर्मल में जाना है। आपको सॉफ्ट लाइट करना भाई। फिर से यहाँ जाना है और फिर आपको यहाँ भाई मीडियम ब्रश में जाना है। मीडियम ब्रश में जाने के बाद भाई आपको सेटिंग देख ले और सेटिंग देखने के बाद भाई मेरा यहाँ पे सफ़ेद कर लेना है। देखिए भाई ऐसा सेटिंग रखना है आपको और फिर आपको भाई फेस पे इस तरह करके चला देना भाई। तो देखिए भाई कि मेरा फेस गोरा हो गया है।
मगर भाई पूरा गोरा लग रहा है मेरा फेस, तो आपको भाई इसको कम करना। फिर से आपको वहीं जाना भाई, आपको सॉफ्ट लाइट में टच करना है, आपको ऑपेसिटी जो दिख रहा है भाई उसको कम करना है, मैंने तुम अपना अनुसार रख सकते हो भाई। तो मैं अपना अनुसार रखता हूँ, चलिए भाई मेरा हो गया। और फिर आपको भाई अगर ओट को कलर करना भाई, तो फिर से आपको वहीं जाना है, फिर आपको प्लस में जाना भाई, फिर सॉफ्ट लाइट में करना है आपको, और फिर से कलर में जाना है आपको, कलर को यहाँ भाई रेड कर लेना है। और फेस में चला देना भाई इस तरह करके, फिर वहीं से आपको भाई कम कर लेना है। तो देखिए भाई कि मेरा फोटो एडिट यहाँ पे